फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 6, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कमेटी फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ पर्संस। तो इस पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जहां पर कुछ पर्संस के लिए हमसे कहा जाएगा कि 10%, 8% या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ पर्संस को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, उनमें से कुछ पर्संस को सिलेक्ट करके एक कमेटी या फिर एक ग्रुप हमें बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स अभी नहीं देखे हुए हैं या फिर कोई पार्ट मिस कर दिया है आपने, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 6, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, 3 boys and 3 girls टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 boys and 8 girls, इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन। तो 3 boys 3 girls को सिलेक्ट करना है 5 boys 8 girls में से, और सेलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 5 boys 8 girls में से 3 boys 3 girls को हमें सेलेक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इनको सेपरेट हम देखते हैं। 5 boys में से हम 3 boys को सिलेक्ट करेंगे और 8 girls में से हम 3 girls को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यह ज़रूरी भी है क्योंकि 5 boys में से हम 3 girls को सिलेक्ट नहीं कर सकते और ना ही 8 girls में से 3 boys को। तो हमें सेलेक्ट क्या करना है, सिलेक्टिंग 3 boys आउट ऑफ 5 boys, साथ में सेलेक्ट करनी है हमें कितनी गर्ल्स, 3 girls आउट ऑफ 8 girls। 8 girls में से हमें 3 girls को सिलेक्ट करना है और 5 boys में से 3 boys को सिलेक्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या फिर कॉम्बिनेशन का। और इसके लिए डिफरेंस मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 में कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन से जुड़ा हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन से। तो परम्यूटेशन में बात अरेंजमेंट की होती है, ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पर अरेंजमेंट की बात नहीं होती। ठीक है, सेलेक्ट करने की बात होती है, चूज करने की बात होती है, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पर सेलेक्ट करने की बात हो रही है और ऑर्डर का भी देख लेते हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है या फिर नहीं। तो आपको 3 boys को सिलेक्ट करना है 5 boys में से। ठीक है, तो सब अलग अलग होंगे। ठीक है, सब बॉयज़ जो हैं डिफरेंट होंगे, उनकी अलग अलग पहचान होगी। हम मान लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5 ये 5 boys हैं। अब इनमें से 3 को आपको सेलेक्ट करना है। आपको मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं B1, B2, B3। अब इस ऑर्डर में आप सेलेक्ट ना करके इस ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं B2, B1, B3 या फिर B3, B2, B1। क्या हर बार आप अलग से इसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 3 boys को सेलेक्ट करना था। हम B1, B2, B3 लें, B2, B1, B3 लें, B3, B2, B1 लें, एक ही बात है। ठीक है, हम हर बार 3 boys को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, इस वजह से ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, NCR क्या होता है,
एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन जैसा मैंने कहा हुआ है, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, लॉजिक क्या है यहाँ पर वो जानना जरूरी है। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। लेकिन फॉर्मूला हर एक कंडीशन में आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर कंडीशन दी गई हैं क्वेश्चन के साथ में तो आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। और इसके लिए जो एनाग्राम्स की प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दी गिवन लेटर्स, पार्ट फोर था वो, तो उसको आपको ध्यान में लाना होगा क्योंकि उसी तरह का अप्रोच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए फाइव बॉयज में से हमें थ्री बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो हम थ्री बॉयज को सिलेक्ट करेंगे और टू बॉयज ऐसे होंगे जो कि सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, टू बॉयज ऐसे होंगे जो कि सिलेक्ट नहीं होंगे। बट एनाग्राम में क्या था, हर एक लेटर डिफरेंट होता था। ठीक है, हर एक लेटर डिफरेंट होता था तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीन को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तीन को हमें सेलेक्ट करना है और अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तब भी उन्हीं तीन को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑर्डर चेंज भी कर दें तो वो अलग से काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा तो हमें तीन सेम को सेलेक्ट करना है ऐसा हम मान सकते हैं और दो सेलेक्ट नहीं होंगे जो कि एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे, यहाँ पर ये हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। तो तीन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेम होंगे, हम ये मानकर चलेंगे, और जो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो सेम होंगे, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कितने वेज होंगे डिफरेंट, कितने वेज होंगे इनको सेलेक्ट करने के, फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, फाइव फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर तीन पसर्स जो है सेम है, या फिर हम मान सकते हैं थ्री जो लेटर्स हैं वो सेम है। अगर एनाग्राम की तरह हम देखें, उसी अप्रोच को हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता था। बट ऑर्डर मैटर करने के साथ में एक और चीज़ हमने देखी थी, जब लेटर्स सेम हो। ठीक है, जब लेटर्स सेम हो तो उनकी काउंटिंग को हटाने के लिए, जो डबल काउंटिंग हो जाती है उनकी काउंटिंग को हटाने के लिए हम डिवाइड करते थे। उसी तरह की चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तीन पर्सन को हम सेम मान रहे हैं क्योंकि उनको हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर थ्री पर्सन सेम है, इस वजह से थ्री फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। और जिनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं टू पर्सन, वो भी सेम मानकर हम चल रहे हैं। ठीक है, जिनको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी सेम मानकर चल रहे हैं, तो टू फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। तो फाइव बॉयज में से थ्री बॉयज को सिलेक्ट करने के टोटल जो वेज होंगे, डिफरेंट वेज होंगे, वो क्या होंगे, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल। और यही अप्रोच हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, जहाँ पर एट गर्ल्स में से हमें तीन गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा और इस फॉर्म में जो टोटल डिफरेंट वेज होंगे उनको भी फाइंड आउट कर लिया होगा। हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, थ्री गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना है, टोटल एट गर्ल्स हैं, तो थ्री गर्ल्स सिलेक्ट होंगी और फाइव गर्ल्स सेलेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, फाइव गर्ल्स सेलेक्ट नहीं होंगी। अब यहाँ पर तीन गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, और ये जो फाइव गर्ल्स हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुई हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, एट गर्ल्स हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, एट फैक्टोरियल। तीन एक दूसरे से अलग नहीं है, सेम है, इस वजह से हम थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे एट फैक्टोरियल को। और जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया है, जिन गर्ल्स को सेलेक्ट नहीं किया है वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, सेम मानकर हम चल रहे हैं, तो फाइव फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिफरेंट वेज कितने हो जाएंगे, थ्री एट गर्ल्स में से थ्री गर्ल्स को सिलेक्ट करने के, एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इन टू फाइव फैक्टोरियल। तो सेपरेट सेपरेट हमने बॉयज़ को सिलेक्ट करने के और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के जो पॉसिबल वेज है, जो डिफरेंट वेज है, उनको फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हमें थ्री बॉयज़ और थ्री गर्ल्स को साथ में सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड की कंडीशन लगी हुई है और एंड की कंडीशन होगी तब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, और की कंडीशन होगी तब हम एडिशन यूज़ करेंगे।
तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इनको करना पड़ेगा जो भी वैल्यूज आती हैं, तब जाकर हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। और इस फॉर्मूला को आप देखें तो यही चीज़ है, ठीक है, लॉजिक से हमने ये सिचुएशंस इतने डिफरेंट वेज होंगे ये फाइंड आउट किया। इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी आप इसी पोजीशन पर पहुँचते। देखिए एन टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर बॉयज़ की हम बात करें तो 5 बॉयज़ में से हमें 3 को सिलेक्ट करना था, आर की वैल्यू क्या है 3, तो एन फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए आप देखिए टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 8, ठीक है, 8 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना था, तो n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 3, n फैक्टोरियल डेट मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r की वैल्यू 3, तो 3 फैक्टोरियल, और n माइनस r 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करते हुए भी आपको यही पोजिशंस मिलेंगी, लेकिन लॉजिक समझना ज़रूरी था किस वजह से हमने इनको इस तरह से लिखा है या इतने डिफरेंट वेज होंगे, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए था। और ऑप्शंस में आंसर जो है सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ है, तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए, और अगर फैक्टोरियल फॉर्म में ही दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट देख के आंसर मार्क कर सकते हो, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 5 फैक्टोरियल का आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड होगा 2 टाइम, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, और टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे सेलेक्ट करने के 56 इंटू 10 यानी कि 560 डिफरेंट वेज होंगे 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के 5 बॉयज़ और 8 गर्ल्स में से। तो फ्रेंड्स ये लॉजिक है कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक आपने समझ लिया तो जो कंडीशंस क्वेश्चंस के साथ में दी जाएगी उन कंडीशंस को भी आप सोल्व करते हुए आंसर फाइंड आउट कर लोगे। अगर सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान है तो आप शायद उस क्वेश्चन को ना कर पाएँ, इस वजह से लॉजिक समझना ज़रूरी था, इस वजह से लॉजिक मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अब देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2, अ कमिटी ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन सो डेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर नॉट लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो फ्रेंड्स 8 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है 5 बॉयज और 8 गर्ल्स में से, तो कितने डिफरेंट वेज होंगे ये हमें काउंट करना है। कंडीशन साथ में दी गई है नंबर ऑफ गर्ल्स कम नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ बॉयज से। तो देखिए कंडीशन के हिसाब से हम 5 बॉयज में से कितने बॉयज सेलेक्ट कर सकते हैं और 8 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो हमें ये कहा गया है गर्ल्स कम नहीं होनी चाहिए बॉयज की संख्या से, जब जैसा भी हम सेलेक्ट करें 5 बॉयज़ में से 8 गर्ल्स में से, लेकिन कंडीशन ये ट्रू रहनी चाहिए। तो हम बॉयज़ एक भी सिलेक्ट ना करके सभी 8 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सभी 8 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लें तो कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि गर्ल्स जो हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से कम नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या ट्रू रह सकती है, बॉयज में से 5 बॉयज में से 1 बॉय को हम सिलेक्ट करें और कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, भाई टोटल 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो 7 गर्ल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन ट्रू रहेगी। 2 बॉयज़ को सिलेक्ट कर लें तो 6 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना होगा, बॉयज़ में से 3 बॉयज़ हम ले लेते हैं तो 5 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना होगा 8 गर्ल्स में से, 4 बॉयज़ को हम सिलेक्ट करते हैं 5 बॉयज़ में से तो
4 गर्ल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं 8 गर्ल्स में से। अभी भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, हमें यह बोला गया है नंबर ऑफ गर्ल्स कम नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ बॉयज से, इक्वल हो सकती है, ठीक है, इक्वल हो सकती है, कंडीशन ट्रू हो सकती है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन आप लें कि 5 बॉयज में से 5 बॉयज को ही आप सिलेक्ट कर लें, कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, टोटल 8 स्टूडेंट्स आपको कमिटी में लेने हैं तो 3 गर्ल्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब इस केस में ये जो कंडीशन हमें दी गई है वो ट्रू नहीं होगी, तो इसे हम नहीं लेंगे, इसे हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं बॉयज और गर्ल्स को सिलेक्ट करने के, या तो 8 गर्ल्स हो, या फिर 1 बॉय 7 गर्ल्स हो, या फिर 2 बॉय और 6 गर्ल्स हो, या फिर 3 बॉयज 5 गर्ल्स हो, या फिर 4 बॉयज 4 गर्ल्स हो, ठीक है। इन दोनों इन 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन चल सकती है, यानी कि इन कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल वेज कितने होंगे, या तो आप, ठीक है, या तो आप फर्स्ट कंडीशन को ले सकते हैं जिसमें आप 8 गर्ल्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, 8 गर्ल्स को सिलेक्ट करें। दूसरी कंडीशन 1 बॉय 7 गर्ल्स, अब और की कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, और की कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है, या तो आप इस सिचुएशन को लेंगे, या इस सिचुएशन को लेंगे, या फिर इस सिचुएशन को लेंगे, तो इनके बीच में प्लस आएगा, और हम यूज करते हैं तो फिर एडिशन होता है, ठीक है, तो इनके बीच में प्लस आएगा, प्लस 1 बॉय एंड 7 गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, 2 बॉय एंड 6 गर्ल, और 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, और 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। ये टोटल वेज होंगे 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के 5 बॉयज और 8 गर्ल्स में से, जब कंडीशन क्या हो, नंबर ऑफ गर्ल्स कम नहीं होंगी नंबर ऑफ बॉयज से, तो ये टोटल डिफरेंट वेज होंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, 8 गर्ल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अब 8 गर्ल्स को हम 8 गर्ल्स में से ही सिलेक्ट करेंगे, बॉयज में से तो सिलेक्ट करेंगे नहीं, तो टोटल 8 गर्ल्स हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज 8 फैक्टोरियल, और डिवाइड करना है हमें 8 फैक्टोरियल से, क्योंकि 8 को ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सभी को हम सेम मानकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 1 बॉय हम सिलेक्ट करते हैं, 1 बॉय सिलेक्ट करेंगे 5 बॉयज में से, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 5 फैक्टोरियल, 1 बॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल, कितनों को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, 4 को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको सेम मानकर चलेंगे, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एंड लगा हुआ है डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड लगा हुआ है डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 7 गर्ल्स को हम सिलेक्ट करेंगे 8 गर्ल्स में से, टोटल पॉसिबिलिटीज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, 7 को हम सेम मानेंगे, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, और 1 को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 2 बॉयज को सिलेक्ट करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एंड है तो मल्टीप्लाई, 6 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस 3 बॉयज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गई है फैक्टोरियल फॉर्म, इसको और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 1, 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 5 इनटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल से,
वन फैक्टोरियल मतलब वन, तो यहाँ पर कितना बचेगा एट, प्लस फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो फाइव फैक्टोरियल को एक्सपेंड हम करते हैं तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, टू फैक्टोरियल एक्सपेंड करेंगे तो टू इंटू वन, फोर टू से डिवाइड होगा टू टाइम, फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा टेन, इंटू एट फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल से सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, टू फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो टू हमें मिलेगा टू इंटू वन यानी कि टू, और टू से एट डिवाइड होगा टू से फोर टाइम, सेवन इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट। नेक्स्ट क्या है, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, यही चीज़ है सेम, ठीक है यही चीज़ है, डिवाइड में वही वैल्यूज है और न्यूमिनेटर में भी वही वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा टेन, इंटू एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो एट फैक्टोरियल को एक्सपेंड हम करेंगे क्या हो जाएगा एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, और फाइव फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ क्या है नीचे थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री से सिक्स डिवाइड होगा टू टाइम, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एट इंटू सेवन कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स। नेक्स्ट क्या है, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या फाइव, इंटू एट फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या है फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू, भाई एक फोर फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन फोर फैक्टोरियल हमारे पास में बचेगा उसको एक्सपेंड हम कर लेते हैं, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कैंसिल आउट करते हैं, एट डिवाइड होगा फोर से टू टाइम, टू से टू कैंसिल, थ्री से सिक्स डिवाइड होगा टू टाइम, तो फाइव इंटू टू टेन, टेन इंटू सेवन कितना हो गया सेवेंटी, यहाँ पर कितना आ जाएगा सेवेंटी, और आगे देखिए क्या हो जाएगा वन प्लस फाइव इंटू एट फोर्टी प्लस टू एट्टी प्लस फाइव सिक्सटी प्लस फाइव इंटू सेवेंटी थ्री फिफ्टी, ऐड कर लेते हैं इनको, देखिए थ्री फिफ्टी फाइव सिक्सटी कितना हो जाएगा फाइव थ्री एट हंड्रेड सिक्सटी प्लस फिफ्टी वन हंड्रेड टेन, तो नाइन हंड्रेड टेन, नाइन हंड्रेड टेन प्लस टू हंड्रेड एट्टी एलेवन हंड्रेड नाइन्टी, एलेवन हंड्रेड नाइन्टी में फोर्टी हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी प्लस वन ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी वन, तो टोटल डिफरेंट वेज कितने होंगे ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी वन, और इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए था, कंडीशंस क्या क्या यूज़ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए था, तो उस केस में फॉर्मूलाज क्या हो जाते, देखिए 8c8 फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में 5c1 फाइव बॉयज में से वन को सिलेक्ट करना है, और साथ में एट गर्ल्स में से सेवन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कंडीशन फाइव गर्ल्स फाइव बॉयज़ में से टू को सिलेक्ट करना है, एट गर्ल्स में से सिक्स को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कंडीशन फाइव बॉयज़ में से थ्री को सिलेक्ट करना है, और साथ में एट गर्ल्स में से फाइव को सिलेक्ट करना है, प्लस नेक्स्ट कंडीशन क्या है फाइव बॉयज़ में से फोर बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, साथ में एट गर्ल्स में से फोर गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो ये फॉर्मूलाज आप लिखते उसके बाद में इनको एक्सपेंड करते, एक्सपेंड करने के बाद में ये स्टेप आपको देखने को मिलती, तो सेम प्रोसेस रहता, ठीक है उतना ही पेपर वर्क करना पड़ता आपको फॉर्मूला के साथ में भी जो हमने लॉजिक के थ्रू किया, यहाँ पर फॉर्मूला ने लिखकर हमने इस वे में इक्वेशन को बता दिया और एक्सपेंड कर दिया डायरेक्ट, जैसा मैंने लॉजिक में आपको बताया था उसी तरीके से सिंप्लीफाई आपको तब भी करना होता, तो फॉर्मूला यूज़ ना करके डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप दीजिए लॉजिक पर, कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि हर एक कंडीशन के साथ में लॉजिक यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इस पार्ट से, इन हाउ मेनी वेज फाइव मेंबर्स
फॉर्म अ कमिटी आउट ऑफ 10 बी सिलेक्टेड सो डेट. फर्स्ट कंडीशन है टू पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड. सेकेंड कंडीशन टू पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड. तो क्वेश्चन में कहा गया है कमिटी तैयार करनी है, कमिटी बनानी है 5 मेंबर्स की और उन 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है 10 मेंबर्स में से. और साथ में दो कंडीशंस दी गई हैं. फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है टू पर्टिकुलर मेंबर्स हैं जिनको इंक्लूड करना ज़रूरी है. सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है टू पर्टिकुलर मेंबर्स हैं जिनको इंक्लूड नहीं करना है कमिटी में. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. अप्रोच वही रहेगा लेकिन कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं तो इन कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन की यहाँ पर बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है टू पर्टिकुलर मेंबर्स ऐसे हैं जिनको कमिटी में लेना ज़रूरी है, वो तो आएंगे ही, ठीक है. अब वो पहले से सेलेक्ट हो गए हैं, उनको तो लेना ज़रूरी है, यानी कि हम टोटल 10 मेंबर्स में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे. कितने मेंबर्स रिमेन रह जाएंगे जिनमें से हमें सिलेक्ट करना होगा? 10 माइनस 2 यानी कि 8 मेंबर्स रह जाएंगे जिनमें से हमें सिलेक्ट करना होगा. अब सेलेक्ट कितने मेंबर्स करने होंगे? देखिए 2 मेंबर्स ऑलरेडी कमिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको तो हमें लेना ही है. यानी कि जो बचे हुए 8 मेंबर्स हैं उनमें से हम 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, तभी ही तो 5 मेंबर्स की कमिटी बनेगी. तो हमें सिलेक्ट करने हैं 3 मेंबर्स आउट ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है. 8 मेंबर्स में से हमें 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है. टोटल वेज कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड वेज कितने हो जाएंगे? 8C3, 8 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं. एक्सपेंड हम कर लेते हैं या फिर वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं. 8 मेंबर्स हैं, ठीक है. टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 को सिलेक्ट करना है, उनको हम सेम मानेंगे, ठीक है. और सेम क्यों मानेंगे ये भी कारण आपको पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. तो डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से. बचे हुए कितने हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए? 5 सिलेक्ट नहीं हुए, तो उनको भी हम सेम मानेंगे. तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा. 8C3 को हम एक्सपेंड करते तब भी फॉर्मूला यही रहता, n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r, 8 माइनस 3 कितना हो जाता? 5 फैक्टोरियल. तो हमारे पास में यही स्टेप आने वाली. और अब एक्सपेंड करते हैं इससे, तो 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, तो 3 × 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से 6 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 56. 8 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 56. और अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं. सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है? टू पर्टिकुलर मेंबर्स ऐसे हैं जिनको कमिटी में इंक्लूड करना ही नहीं है, ठीक है. अब 2 मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है तो रिमेन मेंबर्स कितने रह जाएंगे? वही 8 मेंबर्स रिमेन रह जाएंगे, क्योंकि 2 को हमें सिलेक्ट नहीं करना है. लेकिन इस बार कितने सिलेक्ट करना है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जो 8 मेंबर्स बचे हुए हैं उनमें से 5 मेंबर्स को हमें सिलेक्ट करना है. 2 मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा कमिटी में, यानी कि 5 पोजीशंस जो कमिटी की है वो खाली है, और 8 मेंबर्स में से हमें 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्टिंग 5 मेंबर्स आउट ऑफ 8 मेंबर्स, तो रिक्वायर्ड वेज कितने हो जाएंगे? 8C5, ठीक है. टोटल पॉसिबिलिटीज एच फैक्टोरियल कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 5 को हम सेम मानेंगे, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. बचे हुए कितने हैं? 3, तो 3 फैक्टोरियल. अब देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सेम आएगा. यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56. तो 8 मेंबर्स में से 5 को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे? 56. और यहाँ पर वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन भी सेम होंगी.
देखिए यहाँ पर हम 8 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे थे, इस वजह से 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हमने लिखा, और यहाँ पर हम 8 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे थे, इस वजह से 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हमने लिखा। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में वैल्यू सेम थी, इस वजह से रिजल्ट जो है वो सेम आएगा 56। तो इस तरीके से इस पार्ट के तीनों ही क्वेश्चन हमने कम्प्लीट किए हैं। आई होप आपको ये तरीका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स पसंद आया आपको, आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें।